हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमारा क्वेश्चन क्या है, ग्रैंडफादर की एज ग्रैंडडॉटर की एज से 10 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। He is also 54 years older than her, और वो उससे 54 years बड़ा है। Find their present age, दोनों के present age हमने find करनी है। हम यहाँ पे let कर लेते हैं, let granddaughter's age is, यहाँ पे हम daughter के age को let करेंगे क्योंकि grandfather उसके 10 times है, तो let granddaughter's age is x years, then grandfather's age is 10 टाइम्स ज्यादा है, तो 10x ईयर्स हो गई। अब वो क्या कह रहा है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रैंडफादर की एज, ग्रैंडफादर 54 ईयर्स ओल्डर है, तो ग्रैंडफादर बड़े हैं, तो दोनों के एज को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉटर्स की एज में 54 ईयर्स प्लस कर देंगे, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, हम पूरा का पूरा राइट हैंड को लेफ्ट हैंड लिख देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को पूरा का पूरा जब हम राइट हैंड लिखते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे प्लस x है इधर आएगा, तो माइनस x इज इक्वल टू 54, 10x माइनस 1x हो गया हमारा 9x। x की वैल्यू निकालते हैं, 54 बाय 9, 9 6 या 54, x इज इक्वल टू 6, तो ग्रैंड डॉटर से कितनी आ गई हमारी 6 इयर्स, मतलब 6 इयर्स उसकी प्रेजेंट एज आ गई हमारी ग्रैंड डॉटर की 6 इयर्स, और ग्रैंड फादर की एज हमारी आ जाएगी 10 टाइम्स 10 इंटू 6 60 इयर्स। Let's see the next question. हमारा next question है 10. अमन एज थ्री टाइम्स हिज सन्स एज, अमन की एज उसके बेटे की एज से थ्री टाइम्स है। 10 years ago, 10 साल पहले he was 5 times his son's age. वो अपने बेटे की एज का कितना था, 5 times था 10 साल पहले। Find their present ages, दोनों की हमने क्या निकालनी है, present ages निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, let कर लेते हैं, लेट अब किसकी एज को लेट करेंगे, अमन की या उसके बेटे की, जो छोटा है उसकी एज को लेट करते हैं, तो यहाँ छोटा कौन है, उसका सर बेटा छोटा है, तुम बेटे की एज को लेट कर लेते हैं, लेट अमन सन्स एज इज इक्वल टू एक्स इयर्स, देन अमन एज इज, अमन की एज कितनी है उसकी, 3 टाइम्स, ठीक है, 3x years। अब वो कह रहे 10 years ago, 10 साल पहले, तो 10 years ago son's age was, बेटे की एज कितनी थी 10 साल पहले, x माइनस 10, क्योंकि आज जितनी एज है 10 साल पहले उसकी 10 कम थी, तो अमन's age was, अमन की एज कितनी थी 3x माइनस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, वो अपने बेटे के एज का 5 टाइम्स था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, दोनों के एज को इक्वल रखेंगे, x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। अब कौन बड़ा है 5 टाइम्स, अमन बड़ा है, तो दोनों के एज को हमने इक्वल करना है, तो बेटे की एज को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अमन पहले ही उससे 5 टाइम्स है, इक्वल करने के लिए हम उसके बेटे की एज को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई एक्स 5x, 5 मल्टीप्लाई 10 15, 3x को इधर लेकर आएंगे, 5x माइनस 3x, यहां पे हमारा बच गया माइनस 10, और ये माइनस 50 उधर जाके क्या हो जाएगा,
प्लस 15, 5x माइनस 3, 3x 2x, माइनस प्लस माइनस 50 माइनस 10 40, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, x आ गया हमारा 20। तो x किसकी एज थी हमारी, सन की एज थी, तो अमन के बेटे की एज कितनी हो गई, अमन सन एज इज 20 इयर्स, देन अमन एज इज, अमन की एज कितनी होगी, 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई एक्स, और एक्स की वैल्यू है 20, तो इसकी आ गई 60 इयर्स। इट वॉज अ क्वेश्चन नंबर 9।